सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, भाजपा सरकार झूठ की नींव पर खड़ी है। शिवराज सिंह चौहान खुद झूठ बोलने की मशीन है। कांग्रेस पार्टी ने जिस गद्दार को विधायक बनने का मौका दिया और 2018 में क्षेत्र की जनता ने पूर्ण विश्वास के साथ प्रचंड बहुमत से जीता कर भोपाल भेजा, उसी व्यक्ति ने क्षेत्र की जनता के साथ विश्वासघात कर झूठ की राजनीति करने वाली भाजपा के हाथों बिक कर कांग्रेस पार्टी के साथ विश्वासघात किया है। ऐसे गद्दार नेताओं को हाटपिपलिया विधानसभा की जनता माफ नहीं करेगी। उक्त बातें हाटपिपलिया विधानसभा के होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस सेवा दल के हाटपिपलिया में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मंत्री व कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने कही। श्री वर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार झूठ की नींव पर खड़ी है। शिवराज सिंह झूठ बोलने की मशीन है। चुनाव जीतने के लिए जनता को झूठे वादे कर भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जनता अब समझ गई है। 3 नवंबर को होने वाले मतदान में हाटपिपलिया क्षेत्र की जनता इन्हें सही आईना दिखा देगी। इस दौरान सेवा दल के कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे नगर में रैली निकाली गई। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री अमित शाह साहब देखिए बना दी, मध्य प्रदेश में सरकार बना दी, अब मुझे केंद्रीय मंत्री बना दो। ओ हाय, वो नड्डा जी देखते हैं, वहां जाओ। नड्डा जी ने कहा वहां जाओ, वापिस जान जाया युवराज के पास। यार दुर्दशा करा ली थे ज्योतिरादित्य, हमारी पलकों पे बैठा रहता था यार, मध्य प्रदेश की जनता की पलकों पे बैठा रहता। मैं जानता हूँ कि हाटपिपलिया क्षेत्र की जनता कभी गद्दारों को पसंद नहीं करती, बिका हुआ माल वापिस नहीं खरीदती। न्याय प्रिय जनता है हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र की, फिर न्याय करेगी और उन लोगों के हाथ में सत्ता के सूत्र देगी। जो व्यक्ति मध्य प्रदेश के समग्र विकास का नजरिया लेके चलते हैं, कमलनाथ जैसा मुख्यमंत्री 5 साल रह जाता तो काया पलट हो जाती इस मध्य प्रदेश की। वो चाहते हैं किसान भी, नौजवान भी और जनता भी कि वापस कमलनाथ जी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।